ये अंतर यात्रा सूत्र कहता है, अंतर यात्रा का यात्री किसी के प्रति अपने भीतर तिरस्कार की भावना नहीं रखता है। ऐसा वो इसलिए नहीं करता कि तिरस्कार योग्य लोग संसार में नहीं हैं, वरन इसलिए कि तिरस्कार करने में उसे निचले तलों पर उतरना पड़ता है। इस सूत्र में कई बातें समझने वाली हैं। पहली चीज़ तो सूत्र कहता है कि अंतर्यात्री सत्य का खोजी किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि तिरस्कार करना देखा जाए एक अमानवीय घटना है और तिरस्कार करने में अस्तित्व का अस्वीकार भी है कि अस्तित्व में कोई कैसा है और उसके माध्यम से क्या घट रहा है हम उसको स्वीकार नहीं करते। और तिरस्कृत करके जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वो जो घटना है वो व्यक्ति की मनुष्यता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है, उसकी साधना के लिए भी वो बड़ी सूक्ष्म बाधा बनती है। हालांकि अगर हम धर्मों का इतिहास उठाकर देखें तो धर्मों में जाने अनजाने ये तिरस्कार की भावना पड़ी हुई है। हालांकि धर्म बात नहीं करते इसकी, धार्मिक लोग भी बात नहीं करते इसकी, वो तो बात प्रेम की करेंगे, करुणा की करेंगे। लेकिन जब भी किसी को हम जजमेंट देते हैं, जब भी किसी के बारे में हम कोई तुलना करते हैं, जब भी किसी को ऊंचा या नीचा हम तय करते हैं तो ये तिरस्कार की भावनाएं प्रवेश कर जाती हैं। अगर हम भारत में देखें तो हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था आई, जाति व्यवस्था आई, और इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने तिरस्कार के कितने रूप लिए इससे सभी लोग परिचित हैं। और ये सब हो रहा था शास्त्रों के नाम पर, धर्म के नाम पर। सूत्र कहता है कि ऐसा नहीं कि तिरस्कार योग्य लोग संसार में नहीं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। सूत्र ये नहीं कह रहा है कि संसार ऐसे लोगों से भी है जो तिरस्कार योग्य हो सकते हैं, लेकिन ये बात संसार की, व्यक्ति की नहीं। संसार की अपनी दृष्टि है, समाज की अपनी दृष्टि है। समाज और संसार अपने कुछ मानदंड बनाता है, अपने कुछ नियम बनाता है, उसकी अपनी परिपाटियां हैं, उसकी अपनी संस्कार बद्धताएं हैं, वो अपनी जगह ठीक है। हमें संसार और समाज से नहीं उलझना है। तो जब संसार और समाज कोई नॉर्म तय करता है, कोई नीति नियम तय करता है, कोई परिपाटी तय करता है, तो उस परिपाटी और उस रीति नीति नियम के अनुसार कोई तिरस्कार योग्य हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। तो ठीक है, व्यक्ति हो गया तिरस्कार योग्य समाज की दृष्टि में, इस बात को भी एक साधक स्वीकार करता है, जानता है इस बात को, और वो इस चीज़ को भी देखता है जो सूत्र आगे कहता है कि जब हम समाज के और संसार के उन रूढ़िगत ढांचों और मान्यताओं का शिकार होते हैं तो हम निचले तलों पर खींच लिए जाते हैं। अगर आप भी उसी बात के साथ चलने लगते हैं जो समाज कह रहा है, क्योंकि समाज हो सकता है अंधविश्वासों पर खड़ा हो सकता है उसकी मान्यताएँ घिसी पिटी हो सकता है वो मान्यताएं प्रासंगिकता खो चुकी हों, हो सकता है तमाम ऐसी बातें हों जो अब अर्थवान ना रह गई हों, अगर हम उनके साथ चलेंगे तो निश्चित ही नीचे के तलों पर खींच लिए जाएंगे। और तिरस्कार के भावना के साथ अगर हम चलते हैं तो निश्चित ही निचले तलों पर खींच लिए जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य के भीतर की जो दिव्यता है, उसकी जो गरिमा है, उसको स्वीकार नहीं करते। और ये उस दिव्यता और गरिमा का ही अपमान है। जो जैसा है वैसा है, क्या फर्क पड़ता है? तुम बस देखो लोगों की भिन्नता, उनकी यूनिकनेस, और जो कोई भी अपने कैसे भी पैटर्न से, कैसे भी वृत्ति से चल रहा होगा वो अपने उन परिणामों का सामना करेगा। लेकिन कम से कम जो साधक है वो किसी को तिरस्कृत करके उस जाल में नहीं उलझता, और ये उसकी आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कि जब तुम किसी का तिरस्कार नहीं करते हो तो लोगों को ऊपर उठाने में सहयोग देते हो, लोगों के लिए तुम काम आते हो। काम आना ये नहीं है कि भौतिक रूप से ही हर चीज़ काम आती है, किसी को उसके वजूद, उसके अस्तित्व की वजह से सम्मान की दृष्टि से देख लेना। और कहीं भी अगर कोई तिरस्कार की भावना वातावरण में तैर रही है तो उसके पार, उसके भीतर की दिव्यता में झांक लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही चीज़ उस व्यक्ति को रूपांतरण के पथ पर आगे ले जाने में सहायक हो जाती है। तो अंतर्यात्री अपनी अंतर्यात्रा में भी है और लगातार दूसरों की अंतर्यात्रा में सहायक भी है। ये सूत्र इन्हीं दोनों पहलुओं को अपने आप में स्पष्ट करता है कि अपनी अंतर्यात्रा में तो चलना ही है, लेकिन तिरस्कार जैसी भावनाओं से हटकर हम दूसरों को ऊपर उठाने में भी सहायक हों। Thank you.